नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद क्यों नहीं खाना चाहिए? क्या शिवलिंग पर शहद, दही, घी, काला तिल आप भी चढ़ाते हैं? क्या इन सभी सामग्रियों को चढ़ाना अच्छा होता है? क्या सच में भगवान शिव को ये सब बेहद पसंद है? तो आपके इन सभी सवालों का जवाब हाँ है। हाँ दोस्तों, ये सभी चीज़ें भगवान शिव को बहुत ही पसंद है, ऐसा शिव पुराण में बताया गया है। तो आज ये भी जान लीजिए कि इन सामग्रियों को चढ़ाने से क्या फल मिलता है। शिव पुराण में बताया गया है कि शहद चढ़ाने से घर में संपदा की वृद्धि होती है। और दूसरी सामग्री है शक्कर, यानी कि चीनी। चीनी चढ़ाने से हमारे घर के बच्चे जिद्दी नहीं होते हैं। तीसरी चीज़ है घी। घी चढ़ाने से हमारे घर से सारे रोग दूर होते हैं। चौथी चीज़ है दही। दही चढ़ाने से परिवार में प्रेम बढ़ता है, अगर आप शिवलिंग पर दही चढ़ाते हैं तो। और हमारी लास्ट चीज़ है काला तिल। दोस्तों, भगवान शिव को काला तिल चढ़ाने से आपके जीवन के समस्त कलेश दूर हो जाते हैं। और काला तिल चढ़ाने से आप मानसिक व शारीरिक तौर पर स्वस्थ भी रहेंगे। अब ये जान लीजिए कि शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद क्यों नहीं खाना चाहिए। कहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद चंडेश्वर का भाग होता है। चंडेश्वर का अंश यानी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करना भूत प्रेतों का अंश ग्रहण करना माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर मेरी माताओं बहनों को भगवान शिव पर क्या चढ़ता क्या नहीं या इससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना सवाल लिखकर पूछ सकती हैं। और आप ये भी हमें बता सकते हैं कि किन चीज़ों से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी मनपसंद वीडियो बना सकें। धन्यवाद।